हेलो गाइस, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन पर जाकर ऑल पर कर दीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन तक पहुंच सके। मेरे वीडियोस देखिए और अगर वीडियो अच्छे लगे तो उन्हें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी प्रॉब्लम हो, और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर चालू करता हूँ। तो आज के तो इससे पहले कि मैं अपना एक फाइल बनाता हूँ, उसका नाम रखूँगा SOU7.html और मैं उसमें एक बॉइलिंग प्लेट लगाता हूँ। और बॉइलिंग प्लेट में जो हमारा टाइटल है, हम टाइटल में आज लिखेंगे टेबल्स एंड लिस्ट। और आज हमने लिस्ट लिख ली है और अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ul और फिर उसके अंदर लिखेंगे li और इस li के अंदर हम लिखेंगे this is first item of first item of my unordered list. तो हमने लिख लिया और अब हम इसे ही नीचे ले आएंगे, शिफ्ट अल्ट और क्लिक 3 हम ले आएंगे और यहां पे हम लिखेंगे सेकंड और यहां हम लिखेंगे थर्ड। तो ऐसे हमारा हो गया और अब हम फिर से इसको हम यहाँ पर नीचे ले आएंगे और यहाँ पे हम ol लिखेंगे ol और यहाँ हम alt दबाकर ऐसे हम कर्सर ले आएंगे और यहाँ पर हम अनऑर्डर्ड के बजाय ऑर्डर कर देंगे। और तो फिर हम इसको अपना लाइव सर्वर खोल के देखते हैं कैसा आता है। और ये हमारा लाइव सर्वर खुला है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा ऐसे आया और यहाँ पर हमारा ऐसे आया, तो ऐसे। और अगर मैं कहूँ कि ये हमारा 1 2 3 लिख के आया ऑर्डर्ड और अनऑर्डर में भरे हुए सर्कल्स लिख कर आए, तो यहाँ पर मैं गूगल पर सर्च करता हूँ ul एंड ol एट्रीब्यूट्स, ul एंड ol एट्रीब्यूट्स और यहाँ पे मैं जाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ol के बारे में पढ़ता हूँ। और यहाँ पर हम अब देखेंगे, तो हमें इस वेबसाइट पे नहीं मिला, हम अगली वेबसाइट पर जाकर ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ ढूंढने और यहाँ पर शायद मुझे मिल जाएगा। और हाँ, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा।
हाँ ये देखिए यहाँ पर नंबर से, यहाँ पर हम अगर वन लगाएंगे तो वन से लिख के आएगा, तो हमारे ऐसे लिख कर आते हैं ओ एल में, ऑर्डर लिस्ट में। और अगर मैं इस ऑर्डर लिस्ट में लिख दूँ टाइप, टाइप इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं जो सेट करूंगा वो आएगा। तो मैं पहले इसको सेट करके देखता हूँ मेरा आता है या नहीं। मैंने वन वाला देख लिया, वन वाला तो मेरा ऑटोमेटिक था। और मैं यहाँ पर अपना लाइव सर्वर ओपन करके देखता हूँ मेरा कैसे आता है। और हाँ ये देखिए मेरा यहाँ पर ऐसे आया। और यहाँ पर अगर मैं कर दूं कि कैपिटल आई, तो मेरा ये कैसे आएगा, कैपिटल आई अगर मैं कर दूं। मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करके देखता हूँ, ये देखिए मेरा यहाँ पर पहले ये कैपिटल आई वन आया, फिर टू कैपिटल आई है, फिर थ्री कैपिटल आए, जिसे हम रोमन रोमन नंबर कहते हैं। और अगर मैं यहाँ कर दूं स्मॉल आई, तो ये मेरा स्मॉल आई में आ जाएगा। तो ये देखिए मेरा यहाँ पर स्मॉल आई आ गया है। और अगर मैं यहाँ पर स्मॉल ए कर दूं, तो ये मेरा कैसे आएगा। तो ये मेरा स्मॉल ए में आ गया। तो मैं इसे आई में करना चाहूंगा। और अगर मुझे यू एल में जाना हो, तो मैं यहाँ पर टाइप इक्वल टू डालूंगा। तो मुझे अभी कोई सजेशन नहीं मिला, क्योंकि यू एल यू आई एल का मुझे नहीं पता, इसलिए मैं यहाँ पे सर्च करूंगा यू एल एट्रीब्यूट्स, यू एल एट्रीब्यूट्स। तो ये मुझे यू एल के, और मैं इस पर जाकर यू एल एट्रीब्यूट्स के टैग ढूंढ सकता हूँ। यूएल के एट्रीब्यूट्स, हाँ ये देखिए यहाँ पर सर्कल है, डेस है एंड स्क्वायर, तो यही होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायर, तो ये मेरा स्क्वायर में आ जाएगा। जो पॉइंट्स थे वो स्क्वायर में आ जाएंगे। तो ये देखिए ये मेरे जो पॉइंट सर्कल में थे ये स्क्वायर में आ गए हैं। और अगर मैं यहाँ पर सर्कल कर दूं, तो ये मेरा कैसे आ जाएगा। अगर मैं इसे सर्कल में कर दूं और अपना लाइव सर्वर ओपन करूं, तो ये मेरा कैसे आएगा। तो ये मेरा ऐसे आएगा। और लेकिन सबसे पहले में जो हमारा यहाँ पर था सर्कल था, लेकिन ये भरा आया था। क्यों? क्योंकि जब हम डिस्क जो होता है डिस्क, अगर मैं यहाँ पर डिस्क डिस्क लगाऊं, डिस्क अगर मैं इस यहाँ पर डिस्क लगाऊं और अपना लाइव सर्वर खोलूं, तो ये मेरा भरा गोला आएगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्क होता है वो भरा गोला होता है, सर्कल होता है, और जो सर्कल होता है वो सिर्फ सर्कल होता है, और जो स्क्वायर होता है स्क्वायर में पूरा भरा रहता है। और यहाँ पे मैंने आपको इतना बता दिया है, इतना बता दिया। तो चलिए अब हम आपको एक और बात बता देते हैं कि हम अब इसके अंदर लिस्ट नहीं ऐड कर सकते, ऐड कर सकते। तो हम यहाँ पर एल आई लगाकर एक और लिस्ट ऐड करेंगे। और तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे यू एल लिख कर, फिर ऐसे, और इसके अंदर हम एल आई लिख कर ए, और यहाँ लिखेंगे अनदर अनदर वन, और इसी को हम शिफ्ट अल और डाउन एरो से हम 4 बार कर लेंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे टू,
टू और यहाँ पर हम कर लेंगे थ्री, थ्री और यहाँ पर हम कर लेंगे फोर, फोर और ये हमारा ऐसे हो गया। तो मैं अपना लाइव सर्वर खोल के देखता हूँ कि मेरा कैसे आता है। तो ये मेरा कुछ ऐसे आ गया। तो फिलहाल मैं इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स पे करूँगा ताकि ये मेरा सब कुछ सेट हो जाए। और मैं यहाँ पर जाकर मैं LI लिखूँगा, फिर इंटर दबाऊँगा और फिर इसके अंदर लिखूँगा OL, फिर इंटर दबाऊँगा और फिर इसके अंदर लिखूँगा LI। LI में मैं लिखूँगा अदर वन और फिर मैं इसे फोर बार लाऊंगा और ये मेरा फोर बार। तो मैं यहां पर टू लिख दूंगा टू और यहां पर मैं थ्री लिख दूंगा यहाँ पर मैंने थ्री लिख दिया और यहाँ पर मैं फोर लिख दूंगा फोर और ऐसे ही मेरा हो जाएगा। और अगर मैं अब इसको देखूं तो ये मेरा कैसे आता है। मैंने अपना लाइव सर्वर ओपन किया और ये मेरा ऐसे दिख रहा है। तो मैं यहाँ ऐसे इन सबको काट देता हूँ। तो मैंने इन सबको काट दिया और ये मेरा ऐसे दिख रहा है। और ये मेरा थर्ड ऑप्शन यहाँ है, फोर्थ यहाँ है, इसको मैं सही कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये खत्म होता है। और अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा टेबल। अब हमारी आई टेबल की बारी, हमारा लिस्ट हो गया। अब हम यहाँ पर टेबल की बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जैसे किया था कि ये मेरा, मैं इनको सही पहले सही कर देता हूँ और इसको मैं ऐसे सही कर दूंगा। मैं पहले इनको सही कर देता हूँ वरना ये मेरा गलत आएगा। और ये मेरा ऐसे अब सही आ जाएगा। और हाँ, पहले यहाँ मेरा फोर्थ आता था, अब यहाँ पे थ्री आ गया। पहले यहाँ पर एक पॉइंट आता था, अब यहाँ पे मेरा आ गया वो वाला, और यहाँ से जो यहाँ वाला था वो हट गया। तो ऐसे ही मेरा सही आ गया। तो ऐसे हमारी बनती है लिस्ट। और अब हम बात करेंगे, और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा टेबल। तो मैं यहाँ पर पहले टेबल लिख लेता हूँ, टेबल। यहाँ पर इंटर डालता हूँ, यहाँ पर एक एच टू हेडिंग डालता हूँ और उसमें लिखूंगा मैं टेबल। मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ मेरा टेबल स्टार्ट हुआ है। और मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर एक लगाऊंगा टेबल टैग, टेबल टैग लगाऊंगा और फिर उसके अंदर मैं लिखूंगा टी हेड, टी हेड, टी हेड, टी हेड। और अब मैं टी हेड के अंदर क्या लिखूंगा, टी हेड के अंदर, टी हेड के अंदर मैं लिखूंगा टी आर, एक टी आर टैग लगाऊंगा। टी आर कौन सा टैग, टी आर।
और फिर इसके अंदर मैं लगाऊंगा टी एच टैग, और इस टी एच टैग के अंदर मैं लिखूंगा नेम, और फिर मैं इसी को ऐसे करूंगा और इसको मैं नीचे लाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं इम्प्लॉय, यहाँ पे मैं लिखूंगा इम्प्लॉय आईडी, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा रोल, लिखना अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं एम्प्लॉय रोल, मैं यहाँ पर एम्प्लॉय रोल लिख दूंगा, और फिर मैंने ऐसे कर दिया। और अब मैं यहाँ पर टी बॉडी लिखूंगा, टी हेड के नीचे टी बॉडी, टी बी ओ डी वाई बॉडी, टी बॉडी टैग ले, और इसके अंदर अब मैं लिखूंगा टी आर टैग, कौन सा टैग, टी आर टैग, और अब इसके नीचे मैं लिखूंगा टी डी टैग, और इस टी डी टैग के अंदर मैं लिखूंगा नेम, क्या नेम लिखूंगा मैं सौरभ, नेम क्या लिखूंगा सौरभ, और अगर मैं इसको नीचे कर लूं और यही मैं लिख दूं शिवम लिख दूं और यहां पे मैं लिख दूं हिमांशु, मैंने ऐसे लिख दिया, तो क्या मेरा नेम में ये सौरभ शिवम और हिमांशु आएगा? मुझे तो लगता नहीं है, अगर आपको लगता होगा तो आप चेक कर लीजिए। यहाँ देखिए नेम में सौरभ आया, एम्प्लॉय आईडी में शिवम आया, एम्प्लॉय रोल में हिमांशु आया, तो ये मेरा ऐसे गलत आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर अपनी आईडी बनाऊंगा 9502, मैं ये आईडी बनाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा मैं यहाँ पर अपना लिखूंगा, मेरा नाम सौरभ है, मैं सौरभ में लिखूंगा वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट ये मैंने, और अब मैं इसी टी आर को ऐसे कर लूंगा और इसको दो बार नीचे लाऊंगा और फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा हिमांशु ऐसे लिख दूंगा, और यहाँ पे इसका मैं लिख दूंगा वैसे मैंने इसको लिख दिया, और मैं हिमांशु में लिख दूंगा मैं यहां पर लिख दूंगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और मैं यहां पर अब नेम लिख देता हूं शिवम की अब मैं आईडी बना देता हूं, बस ऐसे, और यहां पे मैं लिख देता हूं साइंस, लर्नर, मैं यहाँ पे साइंस सिर्फ लिख देता हूँ, साइंसर,
और अगर अब मैं देखूं तो मेरा ये एम्प्लॉय आईडी में, एम्प्लॉय आईडी लिखेगी, नेम में नेम लिखेंगे और एम्प्लॉय रोल में रोल्स लिखेंगे। तो ऐसे ये तो मेरा अब हो गया। और अगर मैंने आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया कि मैं यहाँ पर सर्च करूंगा, टेबल सर्च करूंगा तो टेबल आएंगी, इसलिए मैं HTML टेबल सर्च करूंगा, HTML टेबल, और इमेज पर जाऊंगा। और इमेज पर जाकर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ टेबल। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और ये वाली टेबल देखिए, ये वाली इसपे हेडिंग वन में वन डाटा है, हेडिंग टू में टू डाटा, वन फिर डाटा है, और फिर यहाँ पे हेडिंग वन में डाटा। और ऐसे चाहिए तो हम यहाँ पे हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री लिखकर यहाँ पर हम कुछ और लिख सकते, कुछ और कुछ और लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा हो गया। तो ऐसे हमारी तो अब तो बंद हो गई। तो अब हम अपने इस पर चलते हैं। हमारी ये ऐसे अब बन गई। अब हमने आप लोगों को बता दिया कि लिस्ट कैसे बनाई जाती हैं, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिस्ट, लिस्ट, और यहाँ पर मैंने यहाँ से चालू किया लिस्ट, और यहाँ पर लिख दूंगा लिस्ट, लिस्ट, और एक हमने ऐसे लिख दी। यहाँ पर मैं ऐसे लिस्ट लाइन लिखूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर H2 टैग लगाकर लिखूंगा, H2 टैग, H2 टैग, H2 टैग अगर मैं लगाकर लिखूंगा तो थोड़ा ये मेरा अच्छा दिखेगा, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे लिस्ट जाकर और ऐसे इसको लगा देता हूँ। और ये मेरा यहाँ पर लिस्ट लिखा तो लिस्ट सारी बन गई टेबल के अंदर, टेबल। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो के लिए बाय बाय।